राज, एक गाड़ी और मुझे मिली है जो कि काफी खराब कंडीशन में इस भाई कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम चलाई है तो इसलिए मैं बहुत ही स्लो स्लो चला रहा हूँ भाई। मैं 5 की स्पीड में चला रहा हूँ। 6.9 लीटर का V8 इंजन से मैंने जो लगाया है वो इसके लिए ज्यादा हो गया है। ओ भाई, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेमप्ले वीडियो ऑफ BeamNG ड्राइव। लास्ट टू लास्ट एपिसोड में मैं इस डिफेंडर को ले गया था ऑफरोडिंग करने के लिए, मुझे फेल हो गई थी पर मैंने इसको वापस से रिबिल्ड कर लिया है। मतलब जो भी इसमें डैमेज हुआ था मैंने सब कुछ सही करा दिया है। राज, एक गाड़ी और मुझे मिली है जो की काफी खराब कंडीशन में, इसके राइट वाले दोनों टायर्स निकल चुके हैं, बल्कि एक तो अभी इसमें लगा हुआ है पर खराब हो चुका है टायर, और शायद एक्सल भी टूटा हुआ है। पर ये एक रॉक क्रॉलर है तो अगर मैं इसको खरीद लेता हूं तो मैं फिर रॉक क्रॉलिंग भी कर सकता हूं। अरे, मेरी फर्स्ट रॉक क्रॉलर होगी तो यार इसको चल के देखते हैं, और इसको लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफी रिमोट लोकेशन पे है। पर इस काम के लिए मैं अपनी डिफेंडर को ही लेके जाने वाला हूं क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ यही गाड़ी है। अब देखना ये होगा कि यार वो गाड़ी इस ट्रेलर पे लोड कैसे होगी क्योंकि यार काफी मुश्किल होने वाला है। इसके अंदर वैसे काफी सारी चीजें हैं, मैं इसको टिल्ट कर सकता हूं पीछे, ये देखो ये पीछे कैसे टिल्ट हो जाएगा। पर इसके अंदर विंच नहीं है, अगर मैंने डिफेंडर में एक रस्सी रख ली है मैं उसको यूज करूंगा वहां पे चल के। तो बैठते हैं अपनी गाड़ी में और इसको मैंने क्या करा कि इसके व्हील्स चेंज कर दिए। अब देखो इसके अंदर इसके मैंने टायर की प्रोफाइल और अप कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा लिफ्ट करा देता हूँ। अब ये कहीं पे भी नहीं फंसने वाली मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसकी हाइट और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले इस ट्रेलर को मैं अटैच कर लूँ पीछे, देखते हैं अटैच हो जाएगा। वैसे यार है तो इसके अंदर, एक मिनट में एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो अटैच तो हो गया है ट्रेलर, ये देखो इसका जैक ऊपर हो रहा है। अब ये पूरा जो लोड है इसका गाड़ी पे आ चुका है। और यार मैं इसके व्हील्स नहीं चेंज कर सकता, इसके यही रहने मतलब यही व्हील्स रहेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ना यहाँ पे जगह नहीं है। अगर मैं इससे बड़े व्हील्स लगाना भी चाहूँ तो मैं नहीं लगा सकता। तो बस ये देखना होगा कि यार कहीं अटक ना जाए ट्रेलर मेरा। फिर चलते हैं अपनी गाड़ी को लेके। अब यार मैं बताता हूँ कि मैंने व्हील्स इसके क्यों चेंज करे, मतलब और ज़्यादा इनकी हाइट क्यों बढ़ाई। फिर जब मैं लास्ट टाइम इसे ऑफ रोडिंग करने के लिए ले गया था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो जहाँ पे पत्थर आ रहे थे ना वहाँ पे इसका जो नीचे का बेस है वो टिक जा रहा था बिल्कुल। मतलब कि गाड़ी में पावर की कमी नहीं थी पर गाड़ी को हाइट, मतलब गाड़ी की हाइट थोड़ी कम पड़ रही थी। तो उसके लिए यार दो तरीके थे मेरे पास, या तो मैं सस्पेंशन को रेस करूँ, और तो सस्पेंशन अगर और ऊँचा करता मैं तो गाड़ी यार फिर अनस्टेबल हो जाती, फिर पलटने का डर रहता। मैंने कहा यार व्हील्स को ही थोड़ा हाइट दे देता हूँ, थोड़ी सी हाइट इसकी इंक्रीज़ हुई है। तो अब जहाँ तक है अगर कहीं पे पत्थर आएंगे रास्ते में तो उनके ऊपर से निकल जाएगी आराम से। और जो गाड़ी मैं लेने जा रहा हूँ वो है भाई प्रॉपर रॉक क्रॉलर, वो होगी जो कि बनी ही पत्थर पे चलने के लिए, मतलब जैसे साइड में पत्थर है वो इस पे भी चढ़ सकती है। तो उसको रीबिल्ड करके उसको लेके जाऊँगा मैं रॉक क्रॉलिंग करने के लिए, वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल की रॉक क्रॉलिंग। पर पहले तो भाई दिक्कत ये है कि उसको लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो है भी तो ऐसी जगह पे। अब देख लो भाई ये रास्ता, अरे ऊपर जाना है भाई। अच्छा हुआ कि ये जाते हुए मुझे ये रास्ता मिल रहा है, अगर आते हुए मुझे गाड़ी के साथ यहाँ पे चढ़ाना पड़ता। सही है, आते हुए तो मुझे हाइट की दिक्कत नहीं। अबे क्या हुआ यार, ये बेकार ट्रेलर है, मुझे एक नया ट्रेलर खरीदना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसे छोटा भी ना हो, मीडियम साइज़ का लेना पड़ेगा। अब देख लो यार, इससे मुझे अब गाड़ी को नीचे लाना है, और इसको मैं लो गियर में लगाता हूँ पहले तो। अरे उधर क्यों जा रही है बार बार, थोड़ा सा बैक लेता हूँ। अब चल फर्स्ट गियर में चढ़ानी पड़ेगी भाई, बहुत हाइट है, 20 से 30 डिग्री की चढ़ाई है। यार ये ट्रेलर अटक रहा है क्या कहीं पे? रुको, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, ग्रास मोड मड वाले मोड में लगा के देखता हूँ। हाँ अब आई पावर, अब आई पावर, ये बात। चल चल चल, चढ़ गई चढ़ गई भाई, बहुत मुश्किल से चढ़ रही है यहाँ पे। चल चल अब चल, अब चल स्पीड में चल, इस बार चढ़ जाएगी, इस बार चढ़ जाएगी। आजा आजा, चल चल, चढ़ गई भाई चढ़ गई, थोड़ा सा और बचा है बस भाई, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम चढ़ाई है ये तो। गाड़ी की हालत ख़राब हो गई, मैं भी जस्ट बचाऊँ, थोड़ा सा रोप को यूज़ करना पड़ेगा वरना भाई गिर जाता मैं भी नीचे। भाई मैं कहाँ आ गया यार, गाड़ी को लेके गलत जगह पे आ गया मैं इस गाड़ी को लेके। अब मुझे पता चल रहा है कि वो जो ऊपर गाड़ी वहाँ पे पड़ी है ना, वो क्यों इस हालत में पड़ी है, क्योंकि वो बंदा भी यहाँ पर रॉक क्रॉलिंग करने आया होगा और उससे हुई नहीं होगी अच्छे से। क्या करा जाए, इस ट्रेलर को मैं ऊपर भी नहीं लिफ्ट कर सकता यहाँ से, मुझे लग रहा है इसे लाना ही नहीं चाहिए था, पर उस गाड़ी को भी तो रख के ले जाना है। तो यहाँ पे यार नीचे अटक रहा है, क्या करा जाए इसको। चल चल, निकल गया निकल गया निकल गया, बहुत बढ़िया भाई, मेन वाली जगह तो पार हुई। अब देखते हैं वो गाड़ी कहाँ पर है, इतनी मेहनत करके मैं इसको लाया हूँ यहाँ पे। अब मेन दिक्कत है इसको मोड़ू कैसे मैं, ये तो और नई नई दिक्कतें आ रही है इसमें। पर मैंने क्या करा कि यार ये गाड़ी इस पर लोड नहीं हो रही थी, तो मैं वापस जाके एक तो इसके लिए ट्रेलर दूसरा ले आया और साथ में कुछ सामान लेकर आया था मैं,
जिससे कि मैंने क्या करा कि इस गाड़ी के ना दो टायर जो खराब थे वो मैंने रिप्लेस कर दिए और अब इसको मैं लोड कर सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि इंजन तो इसका सही था, क्योंकि जो पिछला ट्रेलर था ना वो यार वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है यार, इसमें अब लोड करता हूँ। इसके अंदर एक खासियत हो रहा है कि इसमें साइड में थोड़ी थोड़ी वॉल्स हैं, तो क्या पता ये इसको बचा ले गाड़ी को नीचे गिरने से। वो लोड करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अच्छा हुआ कि मैं टायर्स इसके ले आया, क्योंकि वरना तो ये क्या हुआ भाई, इसका पीछे वाला वो निकल के गिर गया। पर ये बिल्कुल फिट हुई है गाड़ी, बस थोड़ी थोड़ी जगह बची है साइड में। अब दिक्कत ये होगी कि ये गाड़ी यहाँ पे रहेगी ऐसे, क्योंकि इसमें स्ट्रैप्स वगैरह तो मुझे कुछ दिख नहीं रही ऐसी। तो चलते हैं इसको लेके। अब मैंने इसको लोड भी करा लिया है पीछे और उसको गेट भी लगा दिया वापस से। अब देखना होगा कि यार गाड़ी इसके अंदर ही रहे बस, और मैं इसको बहुत ही स्लोली स्लोली लेके जाने वाला हूँ। और राइट वाला रास्ता मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, तो जाना तो मुझे इसी रास्ते से पड़ेगा। इससे मैं अब भाई गाड़ी उठ गई आगे से, यार बहुत वेट है इस गाड़ी के अंदर, देखने में हल्की सी लग रही थी। और ये वाला ट्रेलर यार उसके मुकाबले फिर भी सही काम कर रहा है, इसमें थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस उससे ज़्यादा है, पर जो ढलान आएगी ना अभी आगे चल के, तो मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ तो होगी कुछ ना कुछ, इसलिए मैं बहुत ही स्लो स्लो चला रहा हूँ भाई। मैं 5 की स्पीड में चला रहा हूँ, चला भी क्या रहा हूँ मैं, ब्रेक ही मारे जा रहा हूँ मैं, तो चलता अपना भी रही है गाड़ी बहुत ही आराम से, बिल्कुल प्यार से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। यही एक सबसे मुश्किल जगह है, उसके बाद तो आ गए तो आराम से जाएगी गाड़ी। चल चल, उतर गई थोड़ी सी और, भाई गाड़ी बिल्कुल आगे आ चुकी है, बस ये ट्रेलर के ऊपर से उतर जाए गाड़ी। इसको मैंने बांधा भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ पार्किंग ब्रेक लगा हुआ है, मतलब हैंड ब्रेक जो होता है भाई। चलो ये तो पार हुआ, जो सबसे मुश्किल जगह थी वो पार हो गई अपनी, और चलते हैं इसको लेके। अब तो मैं अंदर वाली व्यू से भी चलाता हूँ गाड़ी को। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट दिखा रहा है, पर शॉर्टकट मैं नहीं लूँगा बिल्कुल भी, मैं नॉर्मल जिस रोड से मैं आया था उससे वापस जाने वाला हूँ। रुक जा। ओ भाई बच गया, इसको मैं हाई गियर में कर लेता हूँ, लो गियर में बहुत देर से लगा हुआ, इंजन गर्म हो जाएगा नहीं तो। सर डिफेंडर भी काफ़ी काम की निकली, सही करा मैंने इस गाड़ी को लेकर। अरे कहाँ अटक गया, ओहो ट्रेलर घूम गया ज़्यादा ही, थोड़ा सा मुझे ना पावर लगानी पड़ेगी अभी ना, ये पीछे वाला टायर को भी डैमेज कर सकता था, मैं बच गया हूँ बस। वैसे गाड़ी ऑलमोस्ट सही है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से इंजन वगैरह अपग्रेड करूँगा, और सस्पेंशन मुझे लग रहा है थोड़े इसके ख़राब हो गए हैं, वो भी सही करने पड़ेंगे। और एक स्पेयर टायर होता है इसमें पीछे, वो लगाना है। इसकी रूफ फटी हुई है, गेट फटे हुए हैं, काम तो इसमें होगा पर उतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर मैंने सोचा था कि यार बिल्कुल ही डैमेज पड़ी हुई गाड़ी, पर इतनी भी डैमेज नहीं थी। और मैं पहुंच चुका हूं वापस, तो इसको मैं लगाता हूं यहां पे। अब इसको मुझे करना है पीछे टिल्ट में, लेकिन टिल्ट का ऑप्शन नहीं है ना, तो पहले तो ट्रेलर का मैं जैक लगा देता हूं और इसका गेट खोल देता हूं। अब इस गाड़ी को करते हैं भाई स्टार्ट, और ये उतर गई आराम से एकदम, तो इसको मैं यहां पे लगा लेता हूं। तो यार मैं लेके आ चुका हूं अपनी गाड़ी को गैराज में, और देखते हैं भाई इसके अंदर मैंने सब कुछ अभी रिमूव कर दिया है, इंजन से लेके रेडिएटर से लेके जो पेट्रोल स्टोरेज टैंक होता है वो सब कुछ मैंने निकाल दिया है। इसका फ्रेम यहां पे दिख रहा है, अब इसमें लगाते हैं अपनी मर्जी से जो जो मुझे चीजें लगानी है। सबसे पहले तो इसका फ्रेम है, इसके अंदर पहले इंजन लगाता हूँ मैं, तो दो ऑप्शन है 4.5 लीटर का V8 और 6.9 लीटर का V8। 6.9 लीटर का लगाऊंगा मैं, तो देखो पीछे इंजन लग चुका है, मैं पास से दिखाता हूँ बिल्कुल, ये रहा इंजन। और अभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इसमें बाकी चीजें लगनी बाकी है, ऑयल बॉटल्स इसमें लगनी है, ऑयल बॉटल्स लग जाएंगी इधर। तो ये जो ऑयल बॉटल्स हैं मैं दिखाता हूँ कहाँ पर हैं ऑयल बॉटल्स, ये रही। तो ये ऑयल बॉटल्स होती हैं अपनी, हाइड्रोलिक ऑयल अगर लीक हो जाए कुछ ऐसा हो जाए, मतलब मेरे हिसाब से तो वही है। और इंजन ऑयल भी एक्स्ट्रा इसमें लेके चलते हैं हम, क्योंकि इससे रॉक क्रॉलिंग करनी होती है तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है। शिफ्टर इसमें मैं लगाता हूँ ऑटोमेटिक शिफ्टर, ठीक है। और पैसेंजर सीट भी मैं लगाता हूँ ऑफ रोड वाली, तो देखो ऑफ रोड वाली पैसेंजर सीट लग चुकी है, साथ ही साथ ड्राइवर सीट भी ऑफ रोड वाली हो जाएगी, तो सीट एकदम बढ़िया हो चुकी है इनकी दोनों। रेडिएटर मैं लगाता हूँ हाई परफॉर्मेंस रेडिएटर, तो किधर लगाया रेडिएटर पीछे इसमें, अच्छा इसमें रेडिएटर भी पीछे है, तो भाई तो बहुत हीट फेंकता होगा यार, बिल्कुल सीट के पीछे रेडिएटर है। पर इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ये ओपन एयर, मतलब ओपन एयर गाड़ी है तो हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। लेकिन भाई देखो तो एक बार रेडिएटर लगा कहां पे, मैं दिखाता हूं, ये है इसका रेडिएटर, मतलब इधर से तो एयर लेगा पर इधर को पीछे को जो छोड़ेगा भाई कितनी ज्यादा हीट फेंकता होगा यार ये। के बाद फ्यूल सेल, मतलब इसका जो पेट्रोल का टैंक है वो इसमें लगा देता हूं, अब ये स्टार्ट हो सकती है। ये देखो अब इंजन इसका स्टार्ट हो रहा है, एकदम वर्किंग है, साउंड तो मस्त आ रही है इंजन की। रेस इनटेक सुपर चार्जर भी ऑप्शन मेरे पास, तो स्टेज 2 का सुपर चार्जर मेरे
हिसाब से सही रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे लग जाएगा अपना डिजिटल डैशबोर्ड, पे आ गया अपना डिजिटल डैशबोर्ड। तो हेडलाइट मेरे हिसाब से ऑफ रोडिंग के लिए काफी जरूरी है। तो इसमें एक ऑप्शन है एलईडी हेडलाइट्स विद विंच, कहाँ पर लगाया पर इसमें? अच्छा, तो इसमें फ्रंट विंच भी आ गया यार। ये सही है कि इस गाड़ी को दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, इसके अंदर पहले मतलब खुद का एक विंच है जो कि मैं कहीं पे भी अटैच कर सकता हूँ और गाड़ी को निकाल सकता हूँ। और मैं हेडलाइट दिखाता हूँ, ये इसकी एलईडी हेडलाइट मैंने लगाई है। हेलोजन का ऑप्शन है पर हेलोजन मुझे लगता नहीं कि इतनी बढ़िया रहेंगी। हुड पैनल लगाता हूँ, आगे से खाली थी ये लग गया इसका हुड का पैनल। लाइट बार, एलईडी लाइट बार लगेगी इसकी छत के ऊपर, ये देखो सामने लग गई ना, फॉग लाइट से चलेंगी ना। हाँ तो ये देखो सही लग रही है मुझे तो काफी। हाँ लेफ्ट साइड का पैनल लगेगा एक, तो मतलब जो गेट होता है छोटा सा, मतलब ये ओपन तो होता नहीं है, इसके ऊपर से जाके बैठना पड़ता है, पर ये सेफ्टी के हिसाब से सही रहेगा। ओ भाई फॉग लाइट के साथ तो ये और भी ज्यादा है, इतनी ज्यादा रोशनी हो रही यार सामने, दिन निकल गया एकदम से। अब बारी यार इसके एक्सल की, तो एक्सल वगैरह में तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, डिफरेंशियल वगैरह इसमें है पहले से। व्हील्स का देख लेता हूँ, अगर व्हील इससे बड़े भी अगर हो तो, वैसे तो काफी बड़े व्हील लगे हुए हैं इसमें पहले से। 42, 12 और 17 टायर है भाई इसमें, 42 इंच के टायर्स, तो 44 इंच मैक्सिमम है, एक बार 44 लगा के देखता हूँ इसमें। यार ये ज्यादा सही लग रहे हैं मुझे, 44 के कर लेता हूँ दोनों, फ्रंट के भी और रियर के भी। अब बारी है इस पे पेंट करने की, तो थोड़ा ना ब्लैक कलर का मैंने पेंट करा है, ज्यादा रेड रेड सी हो गई थी गाड़ी, अब मुझे ज्यादा सही लग रही है, एकदम बेसिक सा कलर है इसका। इसको लेके चलते हैं टेस्टिंग के लिए। ये रही अपनी गाड़ी भाई, इसके सस्पेंशन देखो एक बार कितने ज्यादा है, मतलब इसमें सारे मतलब आगे और पीछे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, हर एक सस्पेंशन अपना अपने हिसाब से काम कर रहा है, इसलिए इतनी ज्यादा ऐसे वोबल कर रही है। पर जब मैं इसे रॉक क्लाइंबिंग के लिए लेके जाऊंगा तो इसके लिए फायदे की चीज होगी। एक बार यहाँ पे अगर कोई पत्थर है तो मैं दिखाता हूँ भाई, क्या भाग रही है गाड़ी भाई, तो ज्यादा ओवर पावर कर दी मैंने। 6.9 लीटर का V8 इंजन मैंने जो लगाया है वो इसके लिए ज्यादा हो गया है। ओ भाई पलट गई, इसमें रोल किया जाए तो इसमें कुछ हुआ भी नहीं पलटने से। तो इसको मैं नेक्स्ट एपिसोड में लेके जाऊंगा रॉक क्रॉलिंग के लिए, और इस एपिसोड में इतना ही। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कैसे लगा एपिसोड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।